केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में लाइन ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज में सरे बाजार भाजपा नेता के बेटे सोनू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पर पुलिस कप्तान को परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसी बीच परिजनों और जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान आक्रोशित भीड़ को समझाने के बजाय जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा अपना आपा खो बैठे और उन्होंने मृतक सोनू सिंह के चचेरे भाई व पीसीएस अधिकारी सुनील सिंह की शर्ट खींचकर उन्हें जलील किया। लेकिन उनकी ये हरकत कैमरे में रिकॉर्ड कर ली गई। डीएम के इस बर्ताव पर लोगों ने आपत्ति जताई तो डीएम ने लोगों को ही हिदायत देना शुरू कर दिया। घटना के मुताबिक गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के मुसाफिर खाना मार्ग पर स्थित बिशुनदासपुर का है। यहाँ कस्बे में रहने वाले अर्पित और चंद्रशेखर के बीच पुरानी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ता देख भाजपा नेता शिवनायक सिंह के बेटे और भट्टा व्यवसायी सोनू सिंह के बीच बचाव के दौरान चंद्रशेखर ने सोनू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल सोनू को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर एसपी ख्याति गर्ग पहुंची, जहां उन्हें मृतक के परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने एसपी की मौजूदगी में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसी बीच पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा और मृतक के परिजनों के बीच विवाद हो गया। जिलाधिकारी ने आक्रोशित भीड़ के बीच मृतक सोनू सिंह के चचेरे भाई व पीसीएस अधिकारी सुनील सिंह का कॉलर पकड़कर खींचा और फिर उन्हें जलील किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीच बचाव करने वाली वहां खड़ी जनता को भी आड़े हाथों ले लिया। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके नसीहत देते हुए कहा कि विनयशील एवं संवेदनशील बने हम, यही प्रयास होना चाहिए। जनता के हम सेवक हैं, शासक नहीं। इसके बाद से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कुछ घंटों के बाद जिलाधिकारी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से स्मृति ईरानी को जवाब देते हुए पीड़ित का एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की जो वीडियो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो एडिट किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात ने बहस का रूप ले लिया। और आखिरकार आज सुबह योगी सरकार ने फरमान जारी करके अमेठी जिले के जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा पर कार्यवाही की चाबुक चलाते हुए अपने पद से हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। अब इस बात की चर्चा अमेठी के हर चौराहे पर हो रही है। फिलहाल अमेठी के जिलाधिकारी पद के लिए अरुण कुमार को नामित किया गया है। अमेठी से नाउ 44 के लिए अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।